أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زد لي علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہاؤ آر یو کیسے ہیں آپ کو بتا مائی نیم از سادیہ اینڈ آئی ایم اے میتھمیٹکس ٹیچر فرام دارے مدینہ الحجاج کیمپس پریویس لیکچر میں بیٹا मैंने हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और फर्स्ट सेवन टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस की विद एग्जांपल्स टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम डायगनल मैट्रिक्स टेक आउट योर बुक्स एंड पेज नंबर सेवन पेज नंबर सेवन डायगनल मैट्रिक्स सो आर डायगनल मैट्रिक्स बेसिकली इज आर स्क्वायर मैट्रिक्स मीन in which number of rows and number of columns are same or equal. So basically diagonal matrix जो है वो एक square matrix है लेकिन कैसा square matrix है? एक ऐसा square matrix है जिसकी diagonal entries जो है यहाँ अगर आप देखो बेटा diagonal entries जो है वो non-zero entries है. Diagonal entries are non-zero. At least any one diagonal entry must be non-zero. एक diagonal entry जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए. ए मैट्रिक्स पे देखें डायगनल एंट्री जो है वो वन टू एंड थ्री है. रिमेनिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू जीरो. इन मैट्रिक्स बी वन डायगनल एंट्री इज जीरो, अदर टू जो है दे आर सेम टू एंड टू. इन मैट्रिक्स सी ओनली वन डायगनल एंट्री इज नॉन जीरो, रिमेनिंग ऑल एंट्रीज आर जीरो. यहाँ पे पहली चीज मैंने आपको बताई है बेटा डायगनल मैट्रिक्स के लिए वो कंडीशन ये है कि डायगनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक बेसिकली टाइप है जिसमें नॉन जो डायगनल एंट्रीज है वो आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए एटलीस्ट एनी वन. यहाँ देखिए ये जो है मैट्रिक्स ए बी एंड सी ये सारे आपके पास थ्री बाय थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स है. यहाँ पे एम और एन में जो है वो जो दोनों मैट्रिक्स है आपके पास ये दोनों जो है ये टू बाय टू मैट्रिक्स के टू बाय टू ऑर्डर के मैट्रिक्स है दोनों. यहाँ पर भी देखिए डायगनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, रिमेनिंग एंट्रीज जो है दे आर जीरो. इन मैट्रिक्स एन डायगनल एंट्रीज आर वन एंड फोर. अब डायगनल में ही एक टाइप हमारे पास आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स. किस तरह से बेटा कि इफ ऑल डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो देन सच टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. तो ऐसे डायगनल मैट्रिक्स को जिसमें डायगनल एंट्रीज सेम हो ऐसे डायगनल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स. एंड थर्ड टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है दैट ऑल डायगनल एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू वन. इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और बेटा यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. इफ ऑल डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू वन, यहां देखिए इसके लिए कंडीशन ये है क्योंकि इसका नाम है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स तो डायगनल एंट्रीज जो है दे मस्ट बी इक्वल टू वन. ये हमारे पास थ्री बाय थ्री जो है ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये टू बाय टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये वन बाय वन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि आपकी डायगनल एंट्रीज जो है दे मस्ट बी इक्वल टू वन और रिमेनिंग एंट्रीज जो है वो आपके पास जीरो होगी. अब बेटा आप चलते पेज नंबर एट पे एक्सरसाइज 1.2 पे. इसके देखिए बेटा क्वेश्चंस जो हैं जो हमने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कॉलम है रो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ये सारी टाइप्स जो है वो इसमें गिवन है. क्वेश्चंस दिए हैं आपने जस्ट टाइप को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है तो ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज आई होप यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इजीली. एक क्वेश्चन में आगे आपने नेक्स्ट ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. ट्रांसपोज का कोई मेथड मैंने आपको बताया था कि रोज को कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है जिसमें आपने जो है वो इंटरनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए. सो आई होप के ऑल क्वेश्चंस जो है दे विल बी इजियर फॉर यू एंड यू विल सॉल्व देम इजीली विद द हेल्प ऑफ दीस लेक्चर्स. तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम लेक्चर जो है वो अगले टॉपिक पे एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक.